Hello friends, my name is Dr. Taufiq Panjwani. I'm an orthopedic surgeon with Lokmanya Group of Hospitals in Mumbai and Pune. पिछले कुछ सालों से हमारी जो lifestyle है वो काफ़ी sedentary हो गई है. कमर का दर्द या lower back pain एक बहुत ही common symptom है जो patients OPD में आते हैं. उनका एक बहुत ही common complaint होता है कि उन्हें lower back pain हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है. Statistics के हिसाब से करीबन 80% लोगों को अपनी ज़िंदगी में एक बार severe lower back pain होता है. इस वीडियो में हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे जो हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं ताकि हम अपने लोअर बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने लोअर बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करें और जो हमारा लोअर बैक पेन है या कमर का दर्द है वो कम हो जाए. सबसे पहली एक्सरसाइज है नील स्ट्रेचेस. तो ये एक वार्म अप एक्सरसाइज की तरह हम यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे बैक को एक अच्छा सा स्ट्रेच मिलता है. तो सबसे पहले हमें दोनों हाथों और दोनों घुटनों पर नीलिंग पोजिशन में बैठना है. अपने दोनों हाथों को सीधा रखें, एल्बो से बेंड ना करें. ये स्टार्टिंग पोजीशन है. इस पोजीशन के बाद हमारे बैक को स्ट्रेच करना है जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हो कि बैठकर बैक को स्ट्रेच करें. जब हम एंड पॉइंट पर पहुंचेंगे तो वी कैन बेंड, हम गर्दन को नीचे की तरफ बेंड कर सकते हैं ताकि वो स्ट्रेच हमारे नेक मसल्स में भी फील हो. इसके बाद हमें स्टार्टिंग पोजिशन में वापस आना है. ये एक्सरसाइज आप 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. दूसरी एक्सरसाइज है बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज. ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो हमारे बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करती है. तो सबसे पहले हमें अपने पेट के बल उल्टा ज़मीन पर या बेड पर लेटना है. उसके बाद हमारे दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए हमें बैक को स्ट्रेच करना है. पूरा अपर बॉडी को ज़मीन से जितना हो सके उतना उठाएंगे. एंड पोजिशन में 5 सेकेंड तक होल्ड करेंगे और उसके बाद वापस इनिशियल पोजिशन में वापस आ जाएंगे. You can repeat this exercise 10 times. Next exercise is knee to chest exercises. बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है. इसमें आपको आराम से ज़मीन पर या बेड पर लेटना है. अपने दोनों हाथों का यूज़ करते हुए अपने दोनों अपने घुटनों को चेस्ट की तरफ पुश करना है. ये पोजिशन में आपको थोड़ा सा कमर में स्ट्रेच फील होगा और आपके जो हिप्स हैं वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएंगे. इस पोजीशन में कम से कम 5 सेकंड होल्ड करें और उसके बाद वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं. आप इस एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ नी रोटेशंस. इसके अंदर भी आपको बेड पर लेटे रहना है. अपने दोनों नीज को बेंड करें, दोनों शोल्डर्स को और दोनों एल्बोज़ को ज़मीन से टच करके रखना है. अपर बॉडी को स्टेबल रखते हुए, अपर बॉडी को मूव किए बिना अपने दोनों घुटनों को और लोअर बॉडी को एक तरफ टर्न करना है, रोटेट करना है. सेम चीज़ हमें ऑपोजिट साइड पर करनी है और दूसरी तरफ रोटेट करना है और दूसरी तरफ टर्न करना है. जब आप ऐसा करेंगे तो हमारे स्पाइन के अंदर, लोअर बैक के अंदर ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा, रोटेशन होगा और इससे हमारे लोअर बैक मसल्स स्ट्रेच होंगे. यू हैव टू रिपीट दिस एक्सरसाइज एटलीस्ट 10 टाइम्स. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे वो थोड़ी सी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, उसे कहते हैं सुपरमैन. हमें इनिशियल नीलिंग पोजिशन में आना है. दोनों हाथों और दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखना है. नील पोजीशन में आएंगे. इसके बाद अपने लेफ्ट पैर को ज़मीन से उठाएंगे और उसे स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे. साथ साथ में इसके बाद हमें हमारा राइट हैंड ज़मीन से उठाना है और उसे सीधा रखने की कोशिश करना है. ये पोजीशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है, थोड़ा अनस्टेबल फील करोगे, लेकिन ये पोजीशन के अंदर हमारे बैक मसल्स सबसे ज़्यादा काम करते हैं. तो उससे हमारे बैक मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप होगी. इस पोजीशन को 5 सेकंड तक होल्ड करें और फिर वापस इनिशियल पोजीशन में आ जाए. आप इस एक्सरसाइज को 5 बार रिपीट कर सकते हैं दोनों साइड पर. नेक्स्ट एक्सरसाइज को कहते हैं ब्रिजिंग एक्सरसाइज. इसमें भी आपको ज़मीन पर लेटना है और दोनों घुटनों को फोल्ड करना है. ये स्टार्टिंग पोजीशन है. इसके बाद आप अपने दोनों हिप्स को ज़मीन से उठाने की कोशिश करेंगे. जब आप ये उठाएंगे तो आप कोशिश करिए कि आपका अपर बॉडी और लोअर बॉडी एक ही लेवल में आ जाए, एक ही पोजीशन में आ जाए. इस पोजीशन को 5 सेकंड तक होल्ड कीजिएगा और उसके बाद वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाइए. यू कैन रिपीट दिस एक्सरसाइज 5 to 10 टाइम्स. लास्ट दो एक्सरसाइजेस जो है वो थोड़ी से डिफ़िकल्ट होंगे, शायद काफ़ी लोग उसे पूरी तरीके से कर ना पाए, लेकिन जितना आपसे हो सके उतना आप इसको रेगुलरली करिए. जैसे जैसे आपके बैक मसल्स और मजबूत हो जाएंगे वैसे वैसे आप इन एक्सरसाइजेस को ज़्यादा इजीली कर पाएंगे.
मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप इन एक्सरसाइज को दिन में 2 बार करें, एक बार सुबह में करें और एक बार शाम को करें, और आई एम श्योर अगर हम इस एक्सरसाइजेस को रेगुलरली करेंगे तो हमारे बैक प्रॉब्लम्स और बैक पेन की जो तकलीफ़ है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी।